हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वीराज फैमिली व्लॉग प्लस किचन। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की ये बहुत ही डिलीशियस ऑरेंज केक की रेसिपी देखते हैं। इसे हम लोग बिल्कुल फ्रेश ऑरेंज से बनाएंगे। इसमें ना कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर जाएगा, ना एसेंस जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा। जो हमारे पास नॉर्मल ऑरेंज, और अभी विंटर है तो ऑरेंज अभी सबके तरफ अवेलेबल होगा, तो ये इजीली बना भी सकते हैं। और ये रिच सोर्स होता है विटामिन सी के लिए, तो ये एक तरीके से हेल्दी भी है। तो चलिए फ्रेंड, रेसिपी शुरू करते हैं। तो आप देख रहे होंगे मैं ऑरेंज ली हूँ, और उसे मैं कद्दूकस, थोड़ा सा उसका जो छिलका है उसे मैं कद्दूकस कर रही हूँ। और इधर तब तक मैं प्री हीट करने के लिए हमारा कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। 10 से 15 मिनट के लिए प्री हीट करें, क्योंकि अभी ठंडी का टाइम है, तो 15 मिनट तक ठीक है, उतना देर प्री हीट होना चाहिए। उसके बाद थोड़ा सा ऑरेंज जस्ट निकाल के मैं साइड कर दी, और फिर फ्रेश ऑरेंज का जूस मैं निकाल ले रही हूँ। अगर आपके पास फ्रेश ऑरेंज जूस ना हो तो आप टेट्रा पैक वाला जूस का भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। उसके बाद मैं एक बाउल लूँगी, इसमें मैं सबसे पहले चीनी ऐड कर ले रही हूँ। ये नॉर्मल जो कप होता है चाय पीने वाला, उसी कप से मैं मेज़र करके बता रही हूँ। कोई भी मेज़रिंग स्पून, मेज़रिंग कप का मैं यूज़ नहीं करूँगी, जिससे आपको बहुत ही आसानी हो ये बहुत ही डिलीशियस ऑरेंज केक बनाने में। उसके बाद एक कप मैंने चीनी ऐड किया है, और उसमें 1/4 जो बटर होता है 100 ग्राम वाला, उसका मैं 1/4 हिस्सा इसमें ऐड कर दे रही हूँ। और स्टार्टिंग में जो मैंने ऑरेंज जेस्ट निकाला था उसे भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी, और फिर हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। मैंने सॉल्टेड बटर का यूज़ किया है। सॉल्टेड बटर केक में डालने से इसका टेस्ट और अच्छा होता है। जो हम लोग 1 पिंच नमक ऐड करते हैं उसे हम स्किप कर सकते हैं, और इस बटर के हेल्प से हमारा केक और भी डिलीशियस हो जाएगा। एक स्पून की हेल्प से मैंने इसे अच्छे से मिला लिया, और इसमें मैं एग डाल रही हूँ। ये एग वाला ही केक बन रहा है। अगर आप एगलेस बनाना चाहते हैं, ऐसे मैं मोस्टली केक एगलेस ही बनाती हूँ, बट मुझे ऑर्डर पे ये स्पेशली एग वाला ही बनाने के लिए मेंशन किया हुआ था, इसलिए मैं इसमें एग ऐड कर रही हूँ। अदरवाइज मैं यहाँ पे कर्ड या फिर मिल्क का यूज़ करती। तो मैं जो एगलेस केक का रेसिपी है वो भी मैं आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करूँगी। तो मेरे चैनल से जुड़े रहें। रेड वेलवेट केक, परफेक्ट एक बार में ही परफेक्ट रेड वेलवेट, वनीला, बटरस्कॉच, सब केक की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ जल्दी लाने वाली हूँ। तो मेरे चैनल से बने रहें। और आइसिंग की किस तरीके से करें, इन सब की रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर पहले से अपलोडेड है, तो आप वो भी जाकर चेक कर सकते हैं। तो एक एग मैंने लिया, उसके बाद उसे थोड़ा सा बीट किया। अगर आपके पास बीटर ना हो तो आप फॉर्क की हेल्प से अच्छे से बीट करें। फिर ऊपर में जो शुगर ऊपर हो गया था उसे मैं स्पून की हेल्प से नीचे की और फिर से बीट की, और फिर दूसरा एग भी मैंने इसमें डाल दिया और उसे मैं बीट करूँगी। आपने देखा होगा कि मैं इसमें पीसी हुई चीनी नहीं, नॉर्मल जो हम लोग चीनी यूज़ करते हैं उसका मैंने यूज़ किया है। बस इसलिए यूज़ किया ताकि जब तक चीनी अच्छे से डिसॉल्व ना हो इस बैटर में, ये जो एग का जो मिक्सचर है इसमें डिसॉल्व ना हो, तब तक हमें इस एग को बीट करते रहना है। इससे हमें इजी हो जाएगा जानने में कि हमें कितने देर तक इसे बीट करना है। उसके बाद मैं थोड़ा सा कलर देने के लिए, ऐसे तो हम लोग फ्रेश ऑरेंज का ही यूज़ कर रहे हैं, बट थोड़ा सा ऑरेंज कलर देने से ज़्यादा खूबसूरत लगेगा हमारा केक। और उसके बाद इसे मिला दी हूँ। फिर मैं सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो भी हैं वो इसमें ऐड करूँगी। तो जो कप से मैंने चीनी लिया था, आपके पास जो भी कप अवेलेबल हो, कटोरी कप जो भी हो उससे आप ले सकते हैं, उससे मैं 1.5 कप मैदा ले रही हूँ। आप कोई भी केक बनाएं तो अगर 1 कप आप चीनी डाल रहे हैं तो 1.5 कप ज़रूर मैदा, सूजी, जिस भी चीज़ का बनाए वो ऐड करें। इससे जो केक की मिठास है वो बिल्कुल परफेक्ट रहेगी, ना कभी कम होगा ना कभी ज़्यादा होगा। उसके बाद आधा छोटा चम्मच, जो खाने वाला चम्मच होता है उससे मैं आधा चम्मच इसमें बेकिंग पाउडर डाली हूँ। बेकिंग सोडा का मैं इसमें यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो आप देख रहे हैं, जो जिस स्पून से मैं चला रही हूँ उसी स्पून से मैंने बेकिंग पाउडर डाला था। फिर धीरे धीरे करके हम इसे मिला देंगे इसे। और जो ऑरेंज जूस निकाली थी मैं, करीब आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऑरेंज जूस मेरे पास निकला था। 2 मीडियम साइज का ऑरेंज का मैं यूज़ की थी, और इतना ऑरेंज जूस मेरे इस बैटर के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। इसमें मुझे वाटर डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा ऑरेंज जूस इसमें ऐड करके फिर इसका बैटर प्रिपेयर कर लेंगे हम लोग। वीडियो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ रहता है, इसके वजह से आपको लग रहा होगा काफ़ी तेज़ तेज़ मैं मिला रही हूँ, बट एक्चुअली मैं ये स्लोली ही इसे मिलाना है, क्योंकि बेकिंग पाउडर ऑलरेडी इसमें डाला हुआ है, और ऑरेंज जूस के चलते ये जल्दी एक्टिवेट हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा तेज़ से इसे ना फेटे, अदरवाइज़ जो एक्टिवेशन है वो यहीं पर रुक जाएगा और हमारा केक अच्छे से स्पॉन्जी और जालीदार नहीं बनेगा।
फिर मुझे थोड़ा सा कलर और कम लग रहा था, तो मैं एक ड्रॉप और जेल फूड कलर ऐड की हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपको कलर भी चाहिए तो आप करें, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद मैं केक टिन ली हूँ, इसमें नॉर्मल जो पेपर होता है उसे मैंने ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लिया है केक टिन को। उसके बाद वो पेपर लगा के उसे भी अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लिया है, और फिर बैटर जो मैं बनाई थी उसे मैं पोर कर दूंगी और थोड़ा सा इसमें टैप कर लूँगी जिससे ये एयर बबल्स इसके अंदर जो भी हो वो निकल जाए। तो और बस हमारा ये बैटर बिल्कुल रेडी है हमारे प्री हीटेड कढ़ाई में जाने के लिए। 12 मिनट के करीब मुझे बैटर बनाने में लगा, तो 12 मिनट तक ये प्री हीट हो चुका था। उसके बाद मैं इसमें प्लेस कर दूँगी। और ये केक मुझे ऑर्डर पे मिला था और उन्होंने ऑरेंज कलर देने को कहा था, इस वजह से मैंने इसमें ऑरेंज फूड कलर का भी यूज़ करके ऑरेंज कलर दिया है। अदरवाइज आप नेचुरली जो कलर आता है लाइट ऑरेंज शेड रहता है वो भी अच्छा लगता है। और देखते ही देखते हमारा केक 35 मिनट्स में बन कर के बिल्कुल रेडी हो गया था। एक टूथपिक से मैं चेक कर ली तो ये बिल्कुल क्लीन आया, इसका मतलब है हमारा केक बिल्कुल रेडी है। और फिर इसे मैं ठंडा होने के लिए रख दी साइड में, जिसे मैंने ढक करके रख दिया था। और अब मैं आपको इसे कट करके दिखा रही हूँ। आने वाले वीडियोस में मैं फ्रेश ऑरेंज से कैसे जेल बनाते हैं, जो ग्लेज मिलती है मार्केट में वो कैसे बनाते हैं, किस तरीके से इसका क्रश बना करके हम केक की आइसिंग करेंगे, किस तरीके से मैंने इस केक को डेकोरेट किया, ये आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको दिखाऊँगी। पहले मैं आपको इस केक को कट करके दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, ऑरेंज की, फ्रेश ऑरेंज की कैसे जेल बनानी है ये आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। साथ ही केक की कैसे डेकोरेशन करें, और ये केक बहुत ही डिलीशियस बनती है, बहुत ही डिलीशियस। तो मेरी मानिए फ्रेंड्स, तो गिव दिस रेसिपी अ ट्राई एंड यू गोना लव दिस। देखिए ये कितनी परफेक्ट जाली बनी है, और किसी भी केक के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होती है ये जालीदार केक, क्योंकि इसमें जो भी हम शुगर सिर्फ सोक करेंगे वो अच्छे से अब्जॉर्ब होगा और केक का जो टेस्ट है वो प्रॉपर निखर के आएगा। तो ये मैंने केक की आइसिंग की थी जिसकी वीडियो मैं पोस्ट करूंगी। तो मेरे चैनल से जुड़े रहें, मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।